जय श्री राम। सरी लोहाना समाज डे क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 15 ए आई बी आई सी आई डी चार टीमों है बैटिंग में है आर्यन वीरवाणी जो दिलीप भाई वीरवाणी के बेटे हैं। चलो चौका भी नहीं आया मगर अच्छी बैटिंग ओ बढ़िया उसमें थ्रो भी जोरदार था ओवर थ्रो के रन भी है क्रीज अप स्ट्राइक लेकर देंगे आर्यन को स्ट्राइक दी जाए तो जो आपका स्कोर आगे बढ़ा जाए। आ रहा हूं बॉलिंग करते हुए ओ जोरदार शॉट यहाँ पे कैच की हुई जोरदार कैच यहाँ पे कैप्टन अपनी टीम को जोश में रंग में लाते हुए जोरदार कैच यहाँ पे सबसे ज्यादा कमलेश भाई को बधाई जो बैटिंग में आए हैं कृष्णा माधवानी 18 नंबर अभी चौके छक्कों की बारिश दिखाएंगे। बहुत ही जोरदार शॉट यहाँ पे फील्डर ने भी बहुत ही अच्छा ओ जोरदार दे रहे सबसे बड़ा लक्ष्मण भाई का फ्रेंड्स जो इन्होंने 12 से 15 पापा को इकट्ठा किया है यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है। देखा जो भी दिखाई दे रहा है वो डबल दिखाई देगा अगर लक्ष्मण भाई को क्रिकेट में जोश आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं। बॉलर अपनी शानदार बॉलिंग करते हुए एक रन लिया जाए फटाफट बेटा थोड़ा अपने आप में एक दूसरे में ये चौका श्री सत्यनारायण साहब के नाम ये दूसरा कमलेश भाई बहुत खुश होते हुए बैटिंग टीम का बैट्समैन बेटा रन दौड़ा जाए बेटा हेलो नाम प्लीज भावेश बुरला बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे चार रन है बैट्समैन 7.3 ओवर है ओवर लास्ट चल रही है बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया है टीम ए ने और टीम बी के कैप्टन ने अच्छी कैप्टनशिप निभाते हुए फील्डिंग में बहुत ही अच्छा फोकस रखा है बहुत ही अच्छा यहाँ पे शॉट दो बॉलें बची है 33 रन पे 4 विकेट है यहाँ पे आरव मलकानी और अक्ष केसानी बॉलिंग में है कृष्णा माधवानी पहला ओवर पहली बॉल बहुत ही अच्छी स्पीड ओ जोरदार शॉट यहाँ पे ये कैप्टन ओवर थ्रो के रन भी है नहीं बॉल है बॉल है खाली उसको बताया गया अभी ऐसा करना है ओ जोरदार शॉट यहाँ पे जोरदार यहाँ पे शॉट ओ जोरदार थ्रो प्लेयर आ गया था रनिंग पे फोकस किया जाए रनिंग से ही मैच जीती जाएगी बॉलिंग करते हुए गेंद की फुल टॉस गेंद फेंक के उछाल लिया और ये बच गया कैच ड्रॉप हो गया गेंद किया फेंक किया फुल किया सिक्स वाओ बहुत ही बढ़िया शॉट एकदम मस्त पहला छक्का टूर्नामेंट का तालियां और कैप्टन ने लगाया ने चलो भाई इस बॉल पे लगेगी बड़ी बड़ी अरे जबरदस्त भाग जाओ बहुत ही भागन का सामना करेंगे बॉल कर रहे हैं माधवानी ओ बहुत ही जोरदार शॉट भागे लेकिन कट हो गए आधा रन तक था धीरे आना था बच गए एक रन टीम बी को जीतने के लिए 7 रन चाहिए 12 गेंदों पे गेंदों पे 4 रन बॉलर भागते हुए आए गेंद की और बहुत ही बढ़िया शॉट चलो दूसरे के लिए भागो चार गेंदों पे अभी कितने रन चाहिए 2 रन बहुत ही तगड़ा मुकाबला रोमांचक मैच और बैच कर दे छोड़ खेल दिया एक रन के लिए नहीं बच गया पहुंच गया बैच में पहुंच गया एक रन मजीद एक रन चाहिए गेंद की बल्लेबाजी और ये वाइड और ये इसी के साथ है मजनू क्या होता
स्कोरबोर्ड पे देख रहे हैं 13 रन बनाए हैं 17 गेंदों पे और एक छक्का जो आज पहला छक्का उसके लिए तालियां। बहुत ही बढ़िया कैप्टनी, बहुत ही बढ़िया जीत। कैप्टन आपकी कौन सी मिस्टेक की वजह से मैच आ रहे हैं? वाइड और बैटिंग, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लग। आपसे बहुत उम्मीदें थी कि आप अच्छा खेलोगे, पर कोई नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, मजा आना चाहिए। मैच अच्छा हुआ, लास्ट बॉल तक गया। टीम के लिए तालियां। क्या लेना आपको? बैटिंग। चलो खेल दिया है, लेकिन ओ बहुत ही बढ़िया शॉट। तो एक दूसरे दिन के लिए भागे दो रन, चार 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 रन हो गए, चार रन टोटल स्कोर हुआ है, पांच पांच रन। बॉलिंग है, बॉलिंग है बेटा। विकेट ने दो विकेट लिए हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अभी मुखी साहब बॉलिंग पे आए, पहली गेंद और बहुत ही बढ़िया शॉट, एक रन के लिए भागे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया शॉट, ये दूसरा और तीसरा छक्का इस टूर्नामेंट का। 41 अब दूसरी टीम के लिए टारगेट है 42, अब देखते हैं क्या करते हैं। बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी, उसको कट कर दिया है, एक रन के लिए भागे, एक ही रन, चलो नहीं। ओ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग वांकवाणी की तरफ से। ओ बहुत ही बढ़िया शॉट, उसने खेल दिया है, एक ही रन मिले, एक ही रन। अब वीर दिया ने बैटिंग करने आए हैं, संदीप उनका सामना करेंगे। पहला पहली गेंद, ओ बहुत ही बढ़िया बीट किया है, कोई रन नहीं, 21 रन, 21 गेंद है, थोड़ा धीरे स्पीड कम। ओ बहुत ही बढ़िया बीट किया है, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, ओ बहुत ही बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद थी और ये छक्का, छक्का डिफेंस किया, एक रन के लिए भागे हैं, एक रन कंप्लीट किया। उसको कट कर दिया, थर्ड में उछाल दिया है, एक रन और ये इसी के साथ मैच जीत लिया, जीत दर्ज कर दी। टीम के लिए बहुत बहुत बढ़िया जीत, उसके लिए तालियां। चलो वेरी गुड, ये लूजिंग टीम। देखिए एनर्जी जो पास हो रही है बच्चों की, काफी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे इतने उत्साह में खेल रहे हैं, काफी अच्छा उनका मनोरंजन हो रहा है और जो उन लोगों का टैलेंट जो बाहर आ रहा है बच्चों का, ये बहुत अच्छे इनिशिएट लिया है थ्री लॉन समाज ने, जो भी कमेटी है 100% ऐसे होना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है काफी उन लोगों का, उनके लिए बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए और सब जो भी वॉलंटियर्स हैं सबके लिए बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से सोच रखना भी बहुत अच्छी बात है लोगों का। मैं अरे वाह, आप मेरे ख्याल से इंटरव्यू वहीं बाहर से ही लेंगे, अच्छा फॉर्मेट है उनका क्रिकेट का, काफी पेशेंट से खेलते हैं और पापा की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है उनको, उनकी देखो ये जो ड्राइव है उससे क्लियर पता चलता है, काफी अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है बच्चे ने, तो वीर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बैटिंग ऑर्डर और ये बॉल डाला और ये कैच पकड़ लिया, बहुत बढ़िया कैच किया, बहुत बढ़िया कैच,
तीन ओवर की समाप्ति हुई है, 11 रन कर पाए हैं टीम, जो सबसे बेस्ट बैट्समैन इनकी टीम के वो पिच में है, मोटिवेट कर रहे हैं और ये बॉल डालने की तैयारी, और बॉल डाला है और ये काफी अच्छा घुमा दिया है बिल्डर के हाथ में सीधा, और बिल्डर ने बहुत अच्छी वापस ट्राई की है, काफी अच्छा पास ऑन हुआ बिल्डर का, बॉल ने बॉल डाली है और ये कैप्टन ने घुमाया है, लेकिन काफी अच्छा वापस है और ये आउट का इशारा दे दिया लेग एंप पर सूरज ने, कैप्टन रेडी अपने बॉल को लेकर, कैप्टन ने बीच में कप किया और कैप्टन ने कैप्टन को घुमा दिया है और ये ओ करीबी मामला हो सकता था, दक्ष बहुत अच्छी फील्डिंग, 5 ओवर 6 विकेट्स, दो लास्ट बैट्समैन क्रिस में है और ये बॉल डाला है, कप गिरा है और ये आउट करार दिया जाएगा क्योंकि चूक गए, का जो और ये घुमाया एक और छक्के की ओर, तालियां बत्ती चाहिए, तालियां बत्ती लेनी चाहिए कैप्टन के लिए, काफी बढ़िया सिक्स मारे, ये फाइनल्स का दूसरा सिक्स, संदीप ने उठाया सीधा स्ट्रेट में और छक्का करा दिया गया है एम्पायर की तरफ से, कैप्टन खुद अकेले खड़े हैं, एक और गेम का वेट 39 रन्स, चौथा बॉल ये एक और गेंद उठाई है हवा में, फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया और काफी अच्छा थ्रो, एक और वो थ्रो पर रन भी चुरा लिया एक और, अरे बहुत अच्छा गेंद बॉल डाला है, एक और उठा दिया है छक्के की ओर और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हैं, बैटिंग टीम के लास्ट बॉल खेलेंगे, 54 रन का स्कोर हो गया है, कैप्टन संदीप पहली ओवर में 2 विकेटें चुरा ली है, काफी बड़ा झटका, काफी बड़ा सदमा, अरे जबरदस्त जबरदस्त, वेल डन वेल डन, बॉल घुमाए एक रन ले पाए अपनी टीम के, सिर्फ 12 गेंदे और 31 रन करने पड़ेंगे अगर टीम को जीतना है, तो मैं बताना चाहूंगा ये क्रिकेट है, कुछ भी यहाँ पे नामुमकिन नहीं है, टीम रेडी और बॉल डाली है और दक्ष से बॉल घुमाई है, एम्पायर ने एक और गेंद डालेंगे नील और ये और एक गेंद घुमा दिए और उन्हें नहीं कर पाए, काफी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश सही है, सही है, एक और गेंद डालेंगे नील और ये लक्ष्य उठाए, लेकिन ये लेग एंड पर सूरज डिसाइड करेंगे, उन्होंने भी उंगली पकड़ी, ये बल्ले बल्ले वाली उंगली आगे है, और जिस तरीके से आपने देखा चेन्नई सुपर किंग में जाडेजा ने अपनी टीम को जिताया था, ऐसा मैच देखना मिल सकता है अभी भी, स्कोर 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 अपडेट किया जाएगा, स्कोर हुआ है यहाँ पे 32 रन्स, 7 विकेट हो चुके हैं, काफी मुश्किल है ये लास्ट ओवर है और लास्ट ओवर डालेंगी कैप्टन स्वयं खुद डालेंगे संदीप, अब ये जीत थोड़ी नामुमकिन लग रही है पर हैनिल बदल सकते हैं, 6 बॉल में 6 छक्के मार के बॉल डाला है और ये कैसा लगा आपको, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा था जीत से पहले? बहुत अच्छा लगा मेरे को और मैं यही कहना चाहता हूँ, यही अपना स्पिरिट होना चाहिए, सिंधी है हम, ऐसे ही खेलो, ऐसे ही बने रहो,
जीत हार तो होती रहती है, पर एक यूनिटी में खेलो अच्छी बात है। बहुत अच्छी लगी है और जल्दी जल्दी में थोड़ा प्रेशर था तो खाली टक किया और उसने लकी भी कैच कर दिया अच्छा वाला, इसलिए आउट हो गया। पर चलेगा, इतना कुछ होगा नहीं, लूज तो होता ही रहता है। क्या मैसेज देंगे आप अपनी टीम को और सारे प्लेयर्स जो आप खड़े हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सब काफ़ी अच्छा खेले, जोश बहुत था, मेरे को लगा नहीं था इतना मार भी पाएंगे, पर बहुत अच्छा खेले उनके एज के हिसाब से और बहुत। आज ये जो फादर सब आए हुए हैं, उनकी आप क्या बोलना चाहेंगे आपके फादर और सब इधर ऑडियंस प्रेजेंट, ऑडियंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं रियली उनको थैंक करना चाहूँगा, अपना वो प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे साथ उनको खेलते हुए देखना है, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके लिए। काफी अच्छा तालियां हो जा रही है एक बार सारे प्लेयर्स के लिए, और मैं गुजारिश करूंगा लक्ष्मण माधवानी जो ऑर्गेनाइजर है और सूरज भाई और रोगेश भाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, इन्होंने काफी अच्छा प्रोग्राम उत्साह किया। अब मैं दो लाइन लक्ष्मण माधवानी की लेना चाहूंगा जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया है, आपको हाथ में लिफ्ट करके बैठे लक्ष्मण जी, काफी तारीफ हो रही है पूरी समाज में आपकी कि आप इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप पूरी समाज के लिए और ये बच्चों के लिए? पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को जो आए यहाँ पे और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। बस मैसेज एक ही था कि कम्युनिटी में जितना हो सके, मैं चाह रहा था कि चाइल्डहुड से ही बच्चों में वो कनेक्ट आए, काफी ऐसी फैमिली से बच्चे हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है, इस माध्यम के थ्रू हम सबको एक साथ लेके आए प्लेटफॉर्म पे। और बस यही है कि मैसेज है कि इस तरह के टूर्नामेंट हम लोग एवरी मंथ ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, पेरेंट्स ने भी काफी पॉजिटिव उसको सपोर्ट दिया है, और पर्पज वही है कि बच्चों में आपसी कनेक्ट आए जिससे इनमें यूनिटी भी बढ़ेगी और ब्रदरहुड भी बढ़ेगा। दूसरा कि स्पोर्ट्स को वैल्यू देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है आपके लिए, आपकी लाइफ में एटलीस्ट 2 से 3 घंटा रोज आप स्पोर्ट्स को दीजिए, अपनी बॉडी को दीजिए, जिससे काफी बेनिफिट्स होते हैं। तो छोटे ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि बड़े लोग भी आए आगे और साथ में खेलें, ये ऐसी चीज है, अपने रूटीन टाइम से बाहर निकलिए और थोड़ा सा स्पोर्ट्स को अहमियत दीजिए, जिससे आपकी यूनिटी बढ़ेगी और आप मेंटली और फिजिकली काफी आगे रहेंगे। तो कोशिश यही रहेगी आपसे हमेशा कि स्पोर्ट्स को जितना हो सके हम लोग आगे लेके जाएंगे, बिकॉज इट्स अ टाइम टू मूव फ्रॉम रिलीजन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। सबसे पहले लक्ष्मण भाई को थैंक, ये उनका आइडिया था और बहुत मजा आया, मॉर्निंग में उठे और मैंने स्कोरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एंड होप के मैंने सबके नाम सही लिखे हैं और सही स्कोरिंग हुआ है, बच्चों ने बहुत अच्छा खेला और उम्मीद करते हैं कि आगे भी यही टाइप के प्रोग्राम होते रहे, बच्चे आपस में खेलेंगे अपनी समाज का भला होगा, आगे यूनिटी बढ़ेगी। थैंक्स। बहुत अच्छा बैटिंग करते हो, बहुत बढ़िया बॉलिंग है, तो आपको लेके सारे और बच्चे रेडी होंगे, कैप्टन खुद ने बहुत अच्छी पारी खेली है, पूरा ऑडियंस खचाखच भरा हुआ है यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, लाखों की तादाद में लोग आ चुके हैं। एक लाख बची यस। तो सबसे पहले 3 cheers for winning team।